नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार फली की कड़ी और ग्वार फली की ही सूखी सब्जी, जो हम देसी ग्वार फली से बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो ग्वार फली ली है, जिसे मैंने इस तरह से धोकर साफ भी कर लिया है और आगे पीछे की नुक्कर हटा दी है। और अब हम इसको उबालेंगे। ये एकदम कच्ची ग्वार फली है, आप इसके दो पीसेस भी कर सकते हैं, पर मैं इसे इतना ही बड़ा रखूंगी। अब हम एक कुकर लेंगे, उसके अंदर पूरी ग्वार फली डाल देंगे। मैंने देसी ग्वार फली का यूज़ किया है फ्रेंड। देसी ग्वार फली से बहुत ही टेस्टी सब्जी भी बनती है और कड़ी भी बनती है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधे कप के करीब, और आधी चम्मच ही हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और अब हम कुकर के ढक्कन लगा देंगे और सिर्फ हम इसे एक सीटी आने तक ही पकाएंगे। अब हम इसे गैस पर रख देंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे और इसे एक सीटी आने तक पकने देंगे। देखिए, इसके एक सीटी आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर जो है इसी के अंदर रहने देंगे। मैंने एक किलो छाछ ली है, इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन को मैंने बहुत ही अच्छे से छान लिया है। देखिए, मैंने 3 चम्मच बेसन डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे। बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, हम 1 चम्मच बेसन इसके अंदर और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कड़ी का घोल जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। छाछ जो है हल्की खट्टी होगी तभी कड़ी अच्छी बनेगी। तो देखिए, ग्वारफली भी उबल गई है हमारी और इसे हम ठंडा कर लेंगे एक छलनी में निकाल कर। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। मैंने 2 चम्मच डाला है। तेल गरम होने पे हम राई डाल देंगे आधी चम्मच, जीरा डाल देंगे आधी चम्मच, दाना मेथी डाल देंगे 1/4 चम्मच, धनिए के बीज डाल देंगे आधी चम्मच, अजवाइन डाल देंगे 1/4 चम्मच और 1 तेज पत्ता डाल देंगे और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 5 से 7 कड़ी पत्ता, जिसे मैं तोड़ लूँगी। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और 2 पिंच के करीब हम इसके अंदर हींग डाल देंगे, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और अब हम हमारा घोल डाल देंगे। ध्यान रहे, छाछ हल्की सी खट्टी होगी तभी कड़ी अच्छी बनेगी, ज़्यादा खट्टी ना हो। और 1 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम उबाल लेंगे। पर कंटिन्यू चलाते रहिए, गैस का फ्लेम आप हाई कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे भी इसे उबाल सकते हैं। बस इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि कड़ी जो है हमारी फटे नहीं। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि कड़ी के बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है। और अब हम इसे इसी तरह पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पे ही फ्रेंड आप कड़ी को पकाएं। और अब हम इसे पकने देंगे। जब तक हमारी कड़ी पकती है तब तक हम दूसरी और सब्जी बना लेते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। गैस पर पैन रखेंगे, गैस हमारी ऑन है और अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे। तो 2.5 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा आधी चम्मच हम जीरा डाल देंगे। 2 पिंच के करीब हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। मैंने 5 से 7 लहसुन की कलियां और 1 हरी मिर्च ली थी, जिसे बारीक बारीक कट कर लिया था, वो भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। मसाले डालते वक्त गैस का फ्लेम लो होना चाहिए। आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला डाल देंगे हम।
इसके अंदर आधी चम्मच। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम तेल के अंदर भून लेंगे। और अब हम सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल मसालों से सब्जी को बनाया है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, मसाला हमारा पक गया है। और अब हम इसके अंदर ग्वारफली डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है। बस मिक्स करते हुए फ्रेंड हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसके अंदर सभी मसालों का फ्लेवर चला जाए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। ग्वारफली हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत अच्छा कलर आया है। और अब हम कढ़ी को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड कढ़ी को पकते पकते भी 25 से 30 मिनट हो गए हैं। कढ़ी जितनी पकती है उतनी ही टेस्टी बनती है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। कढ़ी भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ग्वारफली की सब्जी जो हमने बनाकर रखी थी। ये फ्रेंड आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और सिर्फ इसे 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाएंगे जो हमारी सब्जी है वो कढ़ी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इतना ही हमें इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए फ्रेंड इसे पकते पकते 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है, खाने में स्वादिष्ट भी बनी है। थोड़ी सी इसे कसूरी मेथी डाल देंगे, आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए गैस को अब हम बंद कर देंगे और सब्जी और कढ़ी को हम सर्व कर लेंगे। पहले हम कढ़ी के तड़का बना लेंगे। तो तड़का मैंने बना लिया है थोड़ा सा ऑयल डालकर और उसके अंदर थोड़ी सी राई और एक सूखी लाल मिर्च डाली है मैंने, तो बहुत ही सुंदर दिख रही है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही ग्वारफली है, दोनों सब्जी और कढ़ी आप दोनों एक साथ तैयार कर सकते हैं फ्रेंड, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और फ्रेंड आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी यह कढ़ी और ग्वारफली की सब्जी कैसी बनी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो को कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।